गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपने क्लास नाइन्थ में मैथ्स के अंदर पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। जैसे अपने को पता है जब कोई नंबर फ्रैक्शंस के अंदर होते हैं, नंबर फ्रैक्शन में होते हैं, तो आपको न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को डिवाइड करना पड़ता है, यानी डिनोमिनेटर से डिवाइड होता है न्यूमरेटर, और डिवाइड होता है तो उसमें कुछ कंडीशंस बनती है। कैसे बनती है, सबसे पहले वो समझ लो। डेसिमल एक्सपेंशन जब करते हैं यानी डिवाइड करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 36 के अंदर 100 का डिवाइड करेंगे, 1 के अंदर 11 का डिवाइड करेंगे, होल 4 1 अपॉन 8, इसको पहले सिंपल बनाएंगे फिर उसको डिवाइड करेंगे, और 3 के अंदर 13 का डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो सिंपल सी बात है, अगर डिवाइड पूरा पूरा चला जाता है, पॉइंट नहीं आता, रिमाइंडर 0 आ गया, इट मीन्स डेसिमल नहीं आया। तो जब अपने डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर देखो, डिवाइड करते हो, डिवाइड के अंदर रिमाइंडर बचेगा, और कई बार रिमाइंडर के अंदर जो अपने डिवाइड करते हैं उसकी वैल्यू छोटी रहती है। अच्छा, छोटी रहती है तो अपने क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल के बाद में रिमाइंडर के आगे 0 लग जाएगा और उससे डिवाइड करेंगे। तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होता है, डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होगा, ये कितने टाइप का होता है, ये 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है टर्मिनेटिंग, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, टर्मिनेटिंग तो यानी पॉइंट के बाद में डिवाइड खत्म हो जाता है, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट 3 डेसिमल प्लेस 4 डेसिमल प्लेस के बाद में डिवाइड खत्म हो जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है। बट इसके अंदर डिवाइड है वो जैसे चलते रहते, जैसे आप 1/3 लेते हो, 1/3 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3333 चलता ही रहता है, ये 3 यानी डिवाइड ख़त्म नहीं होता। तो ऐसे जो डिवाइड होते हैं उनको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 टाइप से आ जाते हैं, कौन कौन से, एक तो आ जाता है रिपीटिंग और एक आ जाता है नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, एक तो वो डिवाइड जिसे नॉन टर्मिनेटिंग टर्म खत्म नहीं हो रही लेकिन डिजिट का रिपीट हो रहा है, जैसे 0.313333333 यानी 3 की क्या लग जाएगी, जो डिजिट बार बार आती है उसके ऊपर क्या लग जाती है, बार लग जाती है। अच्छा, दूसरा है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे √2 है, √3 है, इनकी जो वैल्यू होती है √2 की वैल्यू 1.414 समथिंग ऐसे चलती है, यानी आगे 414 के बाद में हो सकता है 7 आ जाए ऐसे, यानी डिजिट का रिपीट भी नहीं होता और डिजिट ख़त्म भी नहीं होती, डिजिट चलती रहती है, तो वो क्या हो जाएंगे, नॉन रिपीटिंग। दरअसल के अंदर डेसिमल एक्सपेंशन में जो टर्मिनेटिंग आ जाए वो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, रेशनल होता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ जाए वो भी रेशनल होता है, लेकिन अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आ जाए, उस तरह के जो डेसिमल एक्सपेंशन को अपने या जो उस नंबर को क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। तो एक बार आप ये थोड़ा सा नोट कर लो, उसके बाद में अपने ये क्वेश्चन जो है वो करेंगे। अब अपने जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करते हैं, 36/100 सॉल्यूशन फर्स्ट कैसे करेंगे, 36/100 आपको पता है वैसे, अगर अपॉन में 2 0 है तो ऊपर 2 डिजिट छोड़कर क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, या आप जैसे नॉर्मल आप जो क्वेश्चन करते हो 36 के अंदर किसका डिवाइड करोगे, 100 का पूरा नहीं जा रहा, क्या लगाएंगे, पॉइंट, और यहाँ क्या लग गया, 0 लग गया, कहाँ तक जाएगा, 3 तक जाएगा, 3 × 100 300 कितना बच गया, 60 और 60 में फिर पॉइंट की वजह से फिर 0 लग गया, कहाँ तक जाएगा, 6 तक जाएगा, तो 600 रिमाइंडर कितना बच गया, 0, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये दरअसल में आप रफ नोटबुक में कर सकते हो, यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0.36। अब यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया था, 0 आ गया, इट मीन्स क्या हो गया, डिवाइड खत्म हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया तो डिवाइड आगे नहीं चलेगा, तो ये जो है ये आपका क्या कहलाएगा, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग, क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नोट कर लीजिए आप।
अब अपने पार्ट नंबर सेकंड करेंगे, सॉल्यूशन किसका करेंगे, सेकंड का। सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, 1/11। रफ नोटबुक में जैसे मैंने बोला है, ये चीज़ जो अब मैं इधर कर रहा हूँ वो आपको फेयर के अंदर करने की जरूरत नहीं है, आप उसको रफली शो कर सकते हो, रफ में कर सकते हो। जैसे 1 के अंदर 11 का डिवाइड, जब अपने को पता है कि 1 के अंदर 11 का डिवाइड नहीं जा रहा, तो अपने क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे, जीरो पॉइंट या पॉइंट, क्योंकि वैसे पॉइंट के पहले जीरो लगते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन लगा देते हैं जीरो पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या लग गया, एक जीरो लग गया। लेकिन फिर भी 10 के अंदर 11 का नहीं जा रहा, तो यहाँ क्या लगाएंगे, एक फिर जीरो लगाएंगे, जीरो लगाएंगे तो यहाँ क्या आ गया, एक जीरो आ गया, 100। अब 100 के अंदर 11 का, अपने को पता है 100 के अंदर 11 का जब डिवाइड करते हैं तो 99 तक जाता है, 11 9 जा 99, फिर रिमाइंडर कितना बच गया, 1। पॉइंट की वजह से एक जीरो तो आ ही जाएगा, फिर भी नहीं जा रहा, तो आप क्या लगाओगे, यहाँ जीरो लगाओगे तो एक जीरो और लग जाएगा, यानी एक जीरो तो यहाँ पर है वो डेसिमल की वजह से आ जाएगा, और जो दूसरा जीरो अगर वो लगाना है तो यहाँ पर एक ऑलरेडी जीरो आपको रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर फिर क्या आएगा, 9। तो फिर क्या आ गया, 99 माइनस किया कितना आ गया, 1। फिर पॉइंट की वजह से एक जीरो तो आप लगा सकते हैं, दूसरा जीरो लगाना है तो यहाँ फिर क्या लगाना पड़ेगा, जीरो, फिर ये 100 बन गया और 9, तो ये भी बन गया 99, यानी रिमाइंडर हमेशा कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 1 के लिए बाद में डिजिट का क्या होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.09090 ……। और इसको क्या लिखोगे आप, 0. किन किन डिजिट का रिपीट हो रहा है, 0 और 9 का हो रहा है, तो जिन डिजिट का रिपीट हो रहा है आप उन्हीं के ऊपर बार लगा दो, तो 0.09 की बार। और ये जो है डेसिमल एक्सटेंशन कैसे आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग, पेट्रम ख़त्म नहीं हो रही और रिपीटिंग डिजिट का रिपीट भी हो रहा है, रिपीटिंग को एक नाम और भी देते हैं रिक्यूरिंग, आप इसको भी नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स कि आप इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे, 4 ÷ 4 1/8। तो सबसे पहले अपने इसको क्या करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, मिक्स्ड है तो इसका मल्टीप्लाई 4 ×8 = 32 और +1 = 33, 33/8। 33 के अंदर 8 का डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए आप 33 अबव है, न्यूमरेटर है और ये क्या है, डिनोमिनेटर है, कहाँ तक जाएगा, अपने को पता है 4 ×8 = 32, कितना बच गया, 1। पॉइंट लगाया, डेसिमल लगाया, तो यहाँ पर क्या लग गया, एक जीरो, जैसे ही डेसिमल लगाते हो एक जीरो अपनी तरफ एक लग जाएगा, अगर दूसरा जीरो लगाना है तो पहले यहाँ पर एक जीरो रखना पड़ेगा, फिर दूसरा जीरो आएगा, लेकिन यहाँ अपना काम चल जाएगा, 8 ×1 = 8, कितना रिमाइंडर बच गया, 2। पॉइंट की वजह से एक जीरो लगा सकते हैं अपने, अब कहाँ तक जाएगा, 2 ×8 = 16, कितना बच जाएगा, 4। फिर पॉइंट की वजह से एक जीरो लग गया, 5 ×8 = 40, रिमाइंडर कितना आ गया, 0। ये सारे नंबर वाले क्या होते हैं, माइनस होते हैं। अब देखो इसकी वैल्यू, जब लास्ट में रिमाइंडर जीरो आ गया, इट मीन्स आगे डिवाइड नहीं चलेगा, डिवाइड नहीं चलेगा, जिसके अंदर डिवाइड कहीं ना कहीं जाके ख़त्म हो गया, जैसे इसमें पॉइंट के 3 decimal places, पॉइंट के बाद कितने हैं, डेसिमल के बाद में 1, 2, 3 decimal places के बाद में जाके डिवाइड ख़त्म हो गया, इट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4.125, आगे डिजिट नहीं है, यानी डिवाइड ख़त्म हो गया, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो जब टर्मिनेटिंग आ जाए तो आपको रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग करने की जरूरत नहीं, दरअसल में अब जो क्वेश्चन आगे आएंगे अपने उनमें बिना कुछ डिवाइड किए ही डिनोमिनेटर से पता लगा लेंगे भी ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। दरअसल के लिए आज अपने इतना ही करेंगे, ये एक क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद करके देखोगे भी इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे जाएगा, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही करेंगे, थैंक यू।